हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम एमकेडी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास वन के लिए इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे कि अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट मीन्स लेटर इन इंग्लिश सच एज ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है अंग्रेजी के अक्षर, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट। ठीक, तो इस जो 26 होते हैं ए बी सी डी, इसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। ए में दिया है लुक एट द पिक्चर्स, राइट द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मतलब वर्ड्स को पूरा करने के लिए मिसिंग लेटर्स को यहाँ पे लिखना है। ठीक, जैसे इस पिक्चर्स को देख के और इसका नाम हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है डी डैश जी, तो इसमें हम लोग पिक्चर्स को देख के इसका नाम लिखेंगे। तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, डॉग दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग बीच में क्या भरेंगे, ओ, तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा डी ओ जी, डॉग। ठीक, सेकेंड में है पी डैश एन, तो ये इस पिक्चर को हम लोग देख के इसका भी नाम लिखेंगे। तो क्या है, ये पेन है ना, तो पी और डैश है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ई लिखेंगे, और एन है तो क्या हो जाएगा, पी ई एन, पेन। ठीक, वैसे ही थर्ड में है एन डैश टी, तो इसका भी हम लोग पिक्चर, इस पिक्चर को देख के हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या है ये, अखरोट है ना, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, नट। ठीक है, एन यू टी, तो ये हो जाएगा। वैसे ही फोर्थ में है एस डैश एन, तो ये क्या है हम लोग का, सन है ना, तो यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, यू बीच में जहाँ डैश दिया हुआ है, तो एस यू एन, तो क्या हो जाएगा, सन। ठीक है, वैसे ही 5-6 है, दिया हुआ है आप लोगों को पिक्चर को देख के इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आप लोग के लिए। फिर बी में है री राइट द लेटर्स करेक्टली टू नेम द पिक्चर्स। अब सेकेंड बी में आता है पिक्चर्स के नाम के लिए सही ढंग से अक्षरों को फिर से लिखना है। ठीक, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है और इसका हम लोग को इसको हम लोग को सही ढंग से लिखना है। तो क्या है, फर्स्ट में क्या है दिख रहा है ना, कैप है ना, टोपी, तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है सी पी ए, तो हम लोग कैप का स्पेलिंग ये नहीं होता है ना, तो इसका हम लोग सही स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, तो कैप का सही स्पेलिंग होता है सी ए पी, कैप। ठीक, वैसे ही सेकेंड में क्या दिख रहा है, क्या है ये तो फॉक्स दिख रहा है, तो फॉक्स का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है ऊपर, एफ एक्स ओ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सही से लिखेंगे तो होगा एफ ओ एक्स। ठीक है, फिर थर्ड में है, वैसे ही थर्ड में क्या है दिख रहा है ना, फैन है पिक्चर में, तो वैसे ही फैन का स्पेलिंग क्या दिया हुआ है, गलत लिखा हुआ है ए एफ एन, तो हम लोग इसको सही ढंग से लिखेंगे तो क्या होगा, एफ ए एन, फैन। ठीक, फोर्थ में है, क्या है ये, हैन है ना, तो यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है एच एन ई, तो इसको हम लोग सही से कैसे लिखेंगे, हैन का स्पेलिंग एच ई एन, हैन। ठीक है, वैसे ही फाइव में है, क्या है ये, फाइव में दिया हुआ है आइस, बर्फ है। ठीक है, बर्फ। ठीक, तो इसका भी स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है सी आई ई, तो इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, आइस के स्पेलिंग क्या होता है, आई सी ई, तब सही हुआ। वैसे ही सिक्स में है बी डी ई, इसका भी स्पेलिंग गलत है, ये इससे कुछ नहीं होता है, तो क्या लिख, क्या है पिक्चर में, बेड है ना, बिछावन, तो इसको हम लोग सही से लिखेंगे बी ई डी, बेड। ठीक है, वैसे ही
सेवेंथ में और एट्थ में है, ये आप लोग को बनाना है कि ये क्या है, इसको इस पिक्चर को देख के इसका नाम लिखना है, दो आप लोग के लिए। फिर है सी में, चेंज द कलर्ड लेटर इन ईच वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, टेक हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। चलिए सी में है, एक नया शब्द बनाने के लिए प्रत्येक शब्द में रंगीन अक्षर बदल के पिक्चर की मदद से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है फर्स्ट में आई ई ई, ठीक है। तो ये पिक्चर में क्या दिया हुआ है, आइस है ना, तो ये जो जो रंगीन कर्म ये लेटर है, मतलब जैसे यहाँ पे ये है ना, इसको हम लोग चेंज करके क्या लिखेंगे, आइस के स्पेलिंग सही करेंगे। तो इसमें क्या, इसमें क्या करना है, जो भी कलर लेटर है ना उसको चेंज करना है, उससे उसको सही से लिख के इस पिक्चर को देख के तब इसको लिखना है, ठीक। तो आई सी ई हो जाएगा, तो ई की जगह पे सी हो जाएगा, आइस हो जाएगा, ठीक है, तब सही होगा। वैसे ही सेकेंड में है, क्या है ये, तो इसको भी हम लोग सही करेंगे, ए एच ए टी दिया, हैट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना था हम लोग को, जो ये कलर लेटर है इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो एच लिखेंगे और ए के जगह पे यू लिखेंगे और टी, तब हम लोग का सही होगा हर्ट, ठीक है। वैसे ही थर्ड में है एफ यू एन फन, तो पिक्चर को देखिए, ये फन है ना, फन होता है कि फैन होता है, फैन होता है ना, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी यू को हटा के ए लिख देंगे, तो एफ ए एन फैन, तब सही हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ में है जे ई एम जेम, तो जेम नहीं है ना, ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग यहाँ पे आप लोग देखिए, जे ए एम जैम, जैम है ना, तो ये जो है कलर लेटर इसको ई को चेंज करके यहाँ पे ए लिखेंगे तब सही होगा, तो क्या होगा, जे ए एम जैम। चलिए फिर डी में है, चेंज और एड अ लेटर टू गेट द नेम ऑफ अ कलर, ठीक है। एक रंग का नाम पाने के लिए एक अक्षर जोड़ना है और बदलना है, ठीक। तो चलिए फर्स्ट में है, चेंज अ लेटर एंड फिट बिकम्स, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज अ लेटर, ठीक, यहाँ पे एक लेटर को चेंज करेंगे तो ये जो फेड दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है। तो एफ के जगह पे हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, आर लिख देंगे, आर ई डी रेड, ठीक है, फेड के जगह पे रेड। तो क्या करना है यहाँ पे, चेंज अ लेटर मतलब इसमें एक लेटर को चेंज करके तब इसको कलर का नाम देना है, तो फेड है तो इस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा जब चेंज करेंगे हम लोग, तो रेड। सेकेंड में है, एड अ लेटर एंड लैग बिकम्स, तो चलिए यहाँ पे एक लेटर को ऐड करना है, तो हम लोग का लैग है, जो लैग दिया हुआ है इसमें एक ऐसा लेटर इसमें ऐड करना है जिससे एक कलर का नाम है, तो क्या होता है यहाँ पे लैग है, तो लैग को हम लोग किस कलर में देंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग बी लिख देते हैं, तो बी लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लैक, ठीक। फिर यहाँ पे थर्ड में है, ऐड अ लेटर एंड इंक बिकम्स, मतलब फिर यहाँ पे है, एक यहाँ पे ऐड करना है लेटर को, एक अक्षर को ऐड करना है जो एक कलर का नाम आ जाए, तो यहाँ पे एक लेटर हम लोग ऐड करेंगे तो इंक क्या हो जाएगा, पिंक, यहाँ पे हम लोग पी करेंगे तो पिंक हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे फोर्थ में है, चेंज टू लेटर्स एंड टर्टल बिकम्स, चलिए यहाँ पे चेंज टू लेटर्स, तो यहाँ पे टर्टल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग दो लेटर्स को चेंज करेंगे, दो अक्षर इसमें से चेंज करेंगे तो इसमें हम लोग का एक कलर आएगा, तो देखते हैं हम लोग टर्टल
को कैसे हम लोग कलर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे है TURTLE, टर्टल, ठीक है। तो टर्टल और एक कलर आता है पर्पल, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे हम लोग PUR, ठीक है। यहाँ पे एक टी था तो यहाँ पे हम लोग पी लिख दिए, यू आर सेम लिख दिए, और फिर यहाँ पे जो टी है इसको हम लोग पी लिखेंगे, और फिर ऐसे ही LE उतार देंगे। तो कौन सा कलर हम लोग का आ गया, पर्पल, ठीक। फिफ्थ में है चेंज अ लेटर एंड ग्लू बिकम, ग्लू बिकम्स मतलब चेंज अ लेटर, मतलब यहाँ पे भी सेम ऐसे है, यहाँ पे एक लेटर को चेंज करना है तो हम लोग का जाके एक कलर का नाम आएगा। तो यहाँ पे ग्लू है, ठीक है। तो ग्लू कोई कलर नहीं होता है, तो हम लोग इस जी को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जी के जगह पे बी। तो अब इसको हम लोग उतार देंगे LUE, तो कौन सा कलर आ गया, ब्लू, ठीक। ऐसे ही ये बनेगा। अब ई में है वन वर्ड इन ईच रो डज नॉट एंड विथ द सेम साउंड एज द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, फाइंड द ऑड वर्ड एंड सर्कल इट। मतलब एक ही शब्द के साथ प्रत्येक रो शब्द में शब्द के बाकी शब्दों के समान एक ही साउंड के साथ ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो उस और वर्ड को खोज के हम लोग को सर्कल करना है, मतलब इसमें देखना है कि सारे एक साउंड में आते हैं और जो साउंड अलग होगा उसको हम लोग सर्कल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हॉट लिक कॉट पॉट, ठीक है। तो हॉट कॉट पॉट एक ही इसका साउंड सेम है, ठीक है ना, और इसमें क्या है लिक, ये अलग है, तो इसको हम लोग सर्कल कर दिए, ठीक। वैसे ही सेकेंड में है रेड बेड हील हेड, ठीक है। तो यहाँ पे रेड बेड और हेड ये तीनों साउंड सेम है, और इसमें अलग कौन सा है, हील, ठीक है। तो इसको हम लोग सर्कल करेंगे, ठीक। तो ये हम लोग का ऑड है, मतलब गलत वर्ड है, ठीक है। ये साउंड इसके जैसा अपने इस सब इसके जैसा साउंड नहीं है, ये इसका इसका अपना अलग साउंड है, तो इसको हम लोग सर्कल कर देंगे। बाकी रेड बेड और हेड ये इसका साउंड सेम हो गया। वैसे ही थर्ड में है ट्वाय बॉय ट्रे ज्वाय, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्वाय बॉय एक जैसा है, ट्रे अलग हो गया, ज्वाय अलग हो गया, तो इसमें ये इसके साथ आ गया, तो इसमें कौन सा गलत है, ट्रे, ठीक है, क्योंकि ये इसका साउंड ये सब की तरह नहीं है। ट्वाय बॉय ज्वाय अब इस तीनों का साउंड सेम है, इसका एक नहीं था सेम साउंड, तो इसको हम लोग सर्कल कर दिए। वैसे ही फोर्थ में है फेल टेल सेल बॉल, तो इसका और इसका और इसका सेम साउंड है, इसमें कौन सा होगा, फेल टेल सेल एक ही जैसा है, इसके भी लास्ट में डबल एल है, इसके भी लास्ट में डबल एल डबल एल, इसके भी लास्ट में डबल एल है, ठीक, लेकिन साउंड इस सबका अलग हो गया। फेल टेल सेल इसका एक जैसा हो गया और बॉल इसका अलग, तो इसको हम लोग सर्कल करेंगे, ठीक है। वैसे ही फाइव में है ड्रेस पास क्लास और ग्लास, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा, इसमें से ड्रेस पास क्लास ग्लास, तो इसमें से कौन सा होगा अलग, कौन सा है, ड्रेस, क्योंकि यहाँ पे पास है क्लास है ग्लास है, ठीक है। तो इसमें से अलग कौन सा है, ये है ड्रेस, तो इसको हम लोग सर्कल कर देंगे, ठीक। बाकी इसका इसका और इसका साउंड सेम हो गया, पास क्लास ग्लास, ठीक। और ये चैप्टर वन ख़त्म हो गया, फिर अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।